खुले आसमान के नीचे हजारों लोगों के बीच एक दूसरे से अनजान लेकिन एक दूसरे के साथ देश के किसान किस तरह कड़ाके की सर्दी और खराब मौसम का सामना कर रहे हैं यह देखना हो तो आप सिंधु बॉर्डर पर देख सकते हैं, जहां आप देखेंगे कि किस तरह छोटे छोटे पोर्टेबल टेंटों में एक पूरी दुनिया बसा दी गई है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से अलग नहीं है लेकिन फिर भी अलग दिखती है। इन पोर्टेबल टेंट्स में भले ही आपकी हमारी रोजमर्रा की सभी जरूरतें पूरी नहीं हो सके लेकिन इतनी व्यवस्था तो इनमें है कि आप अपना कुछ समय सुकून के साथ बिता सके, कुछ पल फुर्सत के पा सके और थोड़ी देर सुस्ता कर फिर नई ऊर्जा और ताकत के साथ खड़े हो सके। यहाँ पर ऐसे लगभग 100 टेंट हैं जिनमें सैकड़ों लोग रह रहे हैं। किसी टेंट में एक से दो तो किसी में तीन या फिर चार लोग भी एक साथ रह रहे हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बने चलते फिरते घरों में कई लोगों के साथ नहीं रहना चाहते वो इन टेंट्स में अपने किसी दोस्त परिजन या फिर गांव वालों के साथ रह सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ आधार कार्ड की। कोई भी व्यक्ति जो किसान है अपना आधार कार्ड देकर इन टेंट्स को अपने नाम अलॉट करवा सकता है और रह सकता है। इनके आसपास ही नित्य कर्म करने और नहाने धोने की सुविधाएं भी जुटाई गई हैं। ये टेंट घर का सा अनुभव तो नहीं देते लेकिन इस बात की तसल्ली देते हैं कि आप सुकून से हैं और जाड़े की कड़कड़ाती रातें या बिन बुलाए मेहमान की तरह आने वाली शीतलहर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल किसान ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें।